दोनों लेट के मस्त अभी यहाँ पे मूवी देखते हैं और रात को एंजॉय करते हैं। तो हेलो आप सभी को, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी सुबह हो चुकी है और मैं नोनी को छोड़ के आ रहा हूँ घर पे। इस तरीके से छोड़ के आता हूँ, फिर बाद में जिम करूँगा। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा सा। मॉर्निंग राइड लेते हैं स्कूटी पे और फिर चलते हैं इसको छोड़ के आते हैं, है ना नोनी? भाई देखो ये शर्ट और जीन्स पहन के सो गया था। हम नोनी कौन सी पिक्चर देखी थी? हमने इंग्लिश मूवी देखी थी, मूवी का नाम था, मूवी का नाम क्या था रे? नाम था लड़की मेरी औकात से बाहर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउट ऑफ माय लीग। एक पिक्चर का नाम था आउट ऑफ माय लीग, मतलब अच्छी थी पिक्चर। कोई अपने देश के अंदर ऐसा आदमी आए जो सारे जानवरों को गायब कर दे, रोड पे घूमना बंद करवा दे। रोड पे घूमना जानवरों का? हाँ, मस्त नहीं हो जाएगी रोड ना? छुट्टी पड़ी मिलेगी ना? कुत्ते वत्ते पड़े मिलेंगे रोड पे ना? साफ सुथरा सा हो जाएगा ना? और इनकी जिंदगी तो जैसे ऐसे हो जाता है, इनकी जिंदगी नहीं, इनकी जिंदगी तो कितनी खराब हो जाती है, किसी सर फटा पड़ा है, किसी की चोट लगी पड़ी है ना, मतलब कम हो, मतलब ये है कि ऐसे रोड पे नहीं छोड़ सकते, जिसने छोड़ा होगा उसको जुर्माना लगेगा। तो इस आपको इसका चेहरा फिर से दिख गया, तो गया ही नहीं। तो अभी तो यहीं पे रुकेगा कुछ समय, शाम को जाएगा शायद। तो अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ना मैं जिम जाऊँगा, और जिम खजाने से पहले घर में बहुत से लड्डू पड़े हैं, तो लड्डू खा के जाऊँगा। लड्डू देते मस्त बने वाले, गेम खेलेगा इन्होंने बोला। चल रही है मस्त गेम, गुस्सा पड़ा नोनी अंदर गेम के अंदर। देखा आए थे हम लोग नोनी को कपड़े दिलाने, तो कपड़े वपड़े ले लिए हैं, अब शूज ले लेते हैं इसके लिए। और यहाँ पे पूरी हम खाई सीन में आए हुए हैं। शॉपिंग करके मजा आया? नहीं आया। अभी सुबह सोने जा रही है नॉक्टर्नल। बाय, जाना गणपति विसर्जन से हमारे पास प्रसाद आया था, मिठाई का था, अच्छे क्वालिटी, मतलब लड्डी के अलग अलग वैराइटीज है, तो कुछ अलग वैराइटी के थे, वो अच्छे थे, तो वो बच्चों पहले खा लिए वो। लेकिन अभी हमारे उनको नहीं मिला, वाइफ को नहीं मिला अभी, तो इनके लिए मैं 1 किलो लड्डू अलग से लाऊंगा इनके। अब खुश रह करो, बस बोल दे, छोटे मोटे काम में करता हूँ कर लूँगा मैं, बड़े मेरे बस की बात नहीं है, बड़े वाले काम जैसे बोला मेरे को पानी कार चाहिए, वो मेरे बस की बात नहीं है, स्कूटी में घुमा दो, मैं घुमा दूंगा स्कूटी में, साइकिल में घुमाया था उनको पहले मैंने, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं साइकिल में घूमती नहीं, कौन साइकिल में इतना घूमते आदमी, साइकिल में एक बार मैं तेरी मम्मी घुमाने ले गया था, रास्ते में सांप आ गया भला, जंगल था पूरा, उधर चिन्नी में जंगल था पूरा, जा रहते थे हम लोग, सांप रास्ते में आ गया, तो साइकिल में ब्रेक मारा, साइकिल पलट के मारी, तेरी मम्मी को देखे वो सांप भाग गया वहाँ से, मेरे को डाउट हुआ कि सांप पता नीचे दबा पड़ा होगा, सांप था नहीं उधर, मैं सांप भाग गया पहले वाला, तेरे मम्मी को लेकर देखो मारने के लिए एक बार में, लेकिन वहाँ आते हो फिर मेरे को वो आ गई, क्या बोलते हैं, उल्टी आ गई मेरे को, उल्टी मैं तेरे मम्मी को उल्टी कर दी।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं निक्की की ट्यूशन को पता करना है, जो पिछले ट्यूशन में गए थे निक्की को पता नहीं क्या हुआ, कह रहे मुझे अगली ट्यूशन चाहिए। क्या मम्मी यार मैं तंग कर रही हूँ यार, आप आपको बताया था ना पिछले दो तीन वीडियो में कि अगर आप चुपचाप डायलॉग सुन रहे तो घर में रहेगी खुशी, तो यही वो समझ जाओ था। हमारा प्यारा मक्कू होगा मैथ में फेल, उसका मैथ बहुत खराब है, मैथ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमारे घर में सबका मैथ अच्छा था, मेरा मम्मी का पापा का सबका, निकल लिया। ये भैया का है, ये मेरा, ये चटोरी है, ये तेरा है, ठीक है कोई नहीं, वो तो मेरा है, फिर इसने ही मंगवाया था, मैंने भी ले लिया, मैं सोचा ये ले रही है तो थोड़ा मैं भी ले लूंगा। इसने कहा था स्कूटी पर बैठे मम्मी चीज ले रही है तो मतलब निक्की का फायदा सोच रहा था ना। नहीं बोलोगी, मम्मी बोल रही है परेशान हो क्यों, निक्की ने परेशान कर रखा है, फेल हो जाएगी, क्या कर रही है, पढ़ाई करती नहीं है, मैथ बाकी चीज़ें कर लेती तो मैं बोलता नहीं, मैथ नहीं करती ना मम्मी, मैथ नहीं करती बस, है ना, बताओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नो कमेंट। हमारा प्यारा मुक्को मैथ नहीं करता है, और मम्मी परेशान नहीं पड़ी ट्यूशन देख देख के, मैथ की कोई बढ़िया जगह नहीं मिल रही, चाहे मम्मी बोले कि वो मजा आ गया और ये मैथ पढ़ के फट्टे चक गया, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगे चले जाते हैं ना साइड, दिमाग में मेरे टेंशन हो जाती है, टेंशन क्या, फेल हो अगली को, फेल हो जाएगी, छोड़ दो बकवास, मेरे को टेंशन, बताओ निक्की क्या फीस की है, सच बताओ, निक्की की भी टेंशन है उसका एक साथ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, आपने निक्की नहीं बोला, आपने बोल दिया निक्की की भी, आप समझते हो जब भी लग जाए तो भी मतलब भाई और भी कुछ चल रहा है दिमाग में, भी क्या, भी मतलब भी होता है, भी मतलब दो बातें, बेस्ती कितनी होती है पता है, बेस्ती इंडिया की बनवा रही है, देखिए देखो मम्मी अगर निक्की फेल हो जाएगी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी प्यारी बहन है, फेल होगी चलता रहेगा, मैं क्या बोलेगा, मेरी बहन है फेल होगी, पहले बोलता मेरी बहन मोटी, अब हमें हमारी मेरी बहन से बहुत प्यार है, फेल फूल होगी चलता रहेगा, जिंदगी यही चलती रहेगी, हमारी शरारत यही चलती रहेगी। अब मैं मेहनत कर, मैं ये थोड़ी मेरे से पूछे तो मैं बता दूं, पूछती नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम्हें थोड़ी मेहनत करो, क्या करें बताओ, हमने हम बस कोशिश कर, हम बस कर सकते हैं वो है कोशिशें, तो कोशिश करते हैं इसको अच्छी अच्छी जगह डालते हैं, ट्यूशन में खुद ही पढ़ाते हैं मैथ, और उसको पास वर्क करवा के छोड़ेंगे। मैं तेरे पापा से कह दूँ पढ़ा दो पढ़ा दो, बस चिल्ला लेंगे, बस दुनिया भर का चिल्ला लिया, सारा दिन टीवी देखते हैं, तेरे के एक घंटा देखो, जब आदमी की सर होती टेंशन यही डायलॉग निकलते रहते हैं, तो अगर घर में आपके डायलॉग चल रहे तो मतलब समझ जाओ कि टेंशन में है, मम्मी टेंशन में है, तो उनको हंसी मजाक करवाओ ताकि उनकी टेंशन हंसी मजाक में निकले, साइकोलॉजी साइकोलॉजी मतलब कि आपका भाई कुछ नहीं बोलता। कल आएगा न्यूज में एक माँ ने छीना अपने बच्चे के मुंह से निवाला, ये कल की न्यूज में यही आने वाला है, एक माँ ने छीना अपने बच्चे के मुंह से निवाला, खा गई उसकी मैगी और बेचारा बच्चा भूखा रह गया, देखो देखो।